आज हम डिस्कस करेंगे नीट फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ भावना शर्मा। आई एम अ करियर साइकोलॉजिस्ट। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे नीट फिजिक्स के सिलेबस के बारे में कि क्या क्या टॉपिक्स होते हैं आपके और कैसे आपका सिलेबस होता है। उसके कुछ टॉपिक्स के नाम मैं, मतलब ऑलमोस्ट सारा सिलेबस के टॉपिक्स के नाम आपके लिए लेके आई हूँ। सो वन बाय वन हम उनको देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपका नीट का एग्ज़ाम होता है, नीट का जो एग्ज़ाम होता है वो फिजिक्स सिलेबस कवर्स टॉपिक फ्रॉम बोथ क्लास 11th और 12th। दोनों आपका जो सिलेबस होता है वो क्लास 11th और 12th दोनों में से आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको क्लास 11th ही तैयार करना है या ओनली क्लास 12th ही, आपको दोनों क्लासेस तैयार करना होता है, ठीक है। मोस्टली NCERT की टेक्स्ट बुक से आता है, ठीक है। हेयर इज़ अ यूनिट वाइज ब्रेक डाउन ऑफ द नीट फिजिक्स सिलेबस। यहाँ पर मैं आपको यूनिट वाइज बता रही हूँ कि यूनिट में आपके कौन कौन से टॉपिक होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन बता रही हूँ। सबसे पहले जो आपका क्लास 11th का फिजिक्स का सिलेबस देखते हैं, ठीक है। क्लास 11th में आपका क्या है? फर्स्ट है आपका फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। ये आपका टॉपिक है, यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, ठीक है। सो इस यूनिट में जो आपका पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। देन आपका सेकंड टॉपिक रहेगा डायमेंशनल एनालिसिस। देन आपका थर्ड टॉपिक रहेगा एरर्स इन मेजरमेंट। एंड देन आपका फोर्थ टॉपिक रहेगा सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। इस टाइप से आपका फर्स्ट यूनिट के लिए ये आपके टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है, जो कि आपको प्रिपेयर करने हैं फॉर फिजिक्स सिलेबस। देन आपका सेकेंड रहेगा काइनामेटिक्स, ठीक है। सो इसमें ये आपकी यूनिट सेकेंड रहेगी, ठीक है। इसमें आपका फर्स्ट रहेगा स्केलर्स एंड वेक्टर्स, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। देन सेकंड रहेगा आपका मोशन इज अ इन अ स्ट्रेट लाइन। एंड थर्ड रहेगा मोशन इन अ प्लेन। देन फोर्थ आपका लॉ ऑफ मोशन। इस तरीके से ये वाले टॉपिक्स आपके कवर अप होंगे, ठीक है। थर्ड देखते हैं, दिस इज योर थर्ड यूनिट। ओके, लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। इसमें जो आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। देन आपका सेकंड रहेगा वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है। इस टाइप से आपके दो टॉपिक इस यूनिट में कवर होंगे, टॉपिक जिस यूनिट का नाम है आपका लॉज ऑफ मोशन। देन आपकी जो फोर्थ यूनिट रहेगी, दिस इज योर यूनिट नंबर फोर, ओके। सो इसमें क्या रहेगा? मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। ये आपकी यूनिट का नाम है, फोर्थ यूनिट का। इसमें जो आपका पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेंटर ऑफ मास। देन सेकंड आपका रहेगा रोटेशनल मोशन। थर्ड आपका रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस टाइप से आपके तीन टॉपिक्स इसके अंदर कवर होंगे। देन आपका फिर फिफ्थ आपका आता है ग्रेविटेशन, यानी कि ये है आपकी यूनिट फाइव, ओके। इसमें फर्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एंड देन सेकंड आपका रहेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। दिस टाइप से आपके दो इसमें टॉपिक्स रहेंगे। आगे देखते हैं, और टॉपिक तो नहीं है, नहीं। अब आपका वाला कौन सा था? फिफ्थ। देन दिस इज योर सिक्स्थ यूनिट, यूनिट नंबर सिक्स, ओके। सो इसमें यूनिट का नाम क्या है आपका? प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, ओके। दिस इज योर यूनिट नंबर सिक्स। इसमें जो आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलास्टिक बिहेवियर। सेकंड टॉपिक आपका रहेगा स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशंस। एंड थर्ड टॉपिक आपका रहेगा फ्लड्स, ओके। इस टाइप से आपके ये सिक्स यूनिट अभी तक मैंने आपको बताया है। सिक्स यूनिट्स में से ये वाले टॉपिक आपके कवर अप होंगे, जिनको आपको वन बाय वन प्रिपेयर करना है। रटना कुछ भी नहीं है, रोट मेमोराइजेशन नहीं करना है, क्योंकि जितना आप रटेंगे उतना आप जल्दी भूलेंगे एग्जाम टाइम में। तो ट्राई कीजिए कि आप समझें, एक एक टॉपिक पे थोड़ा थोड़ा टाइम दें, एक्स्ट्रा टाइम दें अगर आपको लगता है तो। एंड इस सिलेबस से आपको सबसे पहले आपको क्या, इससे एक इम्पोर्टेंट आपके लिए जो ये है, इससे क्या होता है कि आपको पता है कि ये जो आपको टॉपिक के नाम पता चल गए हैं, अब आपको खुद से पता होगा अगर आप 11th 12th करके ही दे रहे हैं एग्ज़ाम, कि
11th में आपका ये वाला पोर्शन वीक रहा था, 12th में आपका ये वाला पोर्शन वीक रहा था, तो यहाँ से क्या होगा कि आप उन पहले जो वीक आपके टॉपिक हैं उनको पहले आप कवर करेंगे और उनको अच्छे से कवर करेंगे। देन है आपकी 7th यूनिट थर्मोडायनेमिक्स, यूनिट नंबर 7 थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इसमें आपका जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका थर्मल इक्विलिब्रियम, सेकंड आपका रहेगा लॉज ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड आपका रहेगा हीट ट्रांसफर, ठीक है। इस तरीके से 3 टॉपिक आपके कवर होंगे, ठीक है। दिस इज योर 7th यूनिट। देन 8th यूनिट आपकी कौन सी रहेगी, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी, दिस इज योर यूनिट नंबर 8। ओके, इसमें आपके कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे, फर्स्ट आपका रहेगा इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ परफेक्ट गैस एंड सेकंड आपका रहेगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इस टाइप से आपके 2 टॉपिक इसमें कवर होंगे, ठीक है। फर्स्ट इज इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ परफेक्ट गैस एंड सेकंड इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, 2 टॉपिक्स आपके रहेंगे। नेक्स्ट आपका देखते हैं, सो ये अभी तक का जो भी मैंने आपको बताया है ये आपका क्लास 11th का सिलेबस है। क्लास 11th का सारा सिलेबस मैंने आपको बता दिया, जिसमें आपकी लास्ट 8 यूनिट है, दैट मीन्स आपकी 8 यूनिट इसमें होंगी और 8 यूनिट के सारे टॉपिक्स के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। दिस इज़ योर 11th क्लास सिलेबस। अब 12th क्लास का सिलेबस देखते हैं, क्लास 12th ऑफ फिजिक्स सिलेबस, जिसमें आपकी फर्स्ट यूनिट रहेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यूनिट नंबर 1st। ओके, सो इसमें आपके कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे, फर्स्ट रहेगा आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड देयर कंजर्वेशन, ओके। देन सेकंड रहेगा आपका कोलंबस लॉ, थर्ड आपका रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्थ आपका रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड 5 आपका रहेगा कैपेसिटेंस, ओके। सो इस टाइप से आपके 4 टॉपिक इसमें कवर होंगे। देन आपकी जो यूनिट नंबर 2nd होगी उसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, यूनिट 2nd। अब इसमें आपके कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट आपका रहेगा इलेक्ट्रिक करंट, सेकंड आपका रहेगा ओम्स लॉ, थर्ड आपका रहेगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड फोर्थ आपका रहेगा किरचॉफ्स लॉ, ओके। इस टाइप से आपके ये वाले टॉपिक्स कवर होंगे, इसमें मतलब आपको तैयार करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यूनिट नंबर 3rd, ओके, दिस इज योर यूनिट नंबर 3rd। अब यूनिट नंबर 3rd का नेम क्या है आपका, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। ये आपका यूनिट नंबर 3rd है फॉर क्लास 12th, जिसमें आपके टॉपिक कौन कौन से कवर होंगे। फर्स्ट टॉपिक है आपका बायोट सेवार्ट लॉ, ओके। देन सेकंड आपका रहेगा एम्पियर्स लॉ, थर्ड आपका रहेगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। इस टाइप से आपके 3 टॉपिक इस यूनिट में रहेंगे। नेक्स्ट है आपकी 4th यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, दिस इज योर यूनिट नंबर 4, ओके। इसमें क्या रहेगा, फैराडेज लॉ। फर्स्ट आपका रहेगा फैराडेज लॉ, सेकंड आपका रहेगा लेंज़ लॉ, थर्ड रहेगा आपका सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, फोर्थ आपका रहेगा अल्टरनेटिंग करंट्स। ये आपके इस तरीके से आपके 4 टॉपिक इसमें कवर होंगे। नेक्स्ट है आपका जो आपकी 5 यूनिट है, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यूनिट नंबर 5, ओके। इसमें फर्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड जो सेकंड आपका रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। इस टाइप से आपके 2 टॉपिक कवर होंगे। दिस इज योर 5th यूनिट। नेक्स्ट है आपकी 6th यूनिट, यूनिट नंबर 6, जिसका नाम है आपका ऑप्टिक्स, यूनिट नंबर 6, दैट मीन्स ऑप्टिक्स, ओके। ऑप्टिक्स में आपका जो पहला वाला फर्स्ट आपका टॉपिक रहेगा डिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट,
सेकेंड आपका रहेगा लेंस एंड मिरर्स, थर्ड आपका रहेगा वेव नेचर ऑफ लाइट, एंड फोर्थ आपका रहेगा इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन. दिस इज योर फोर टॉपिक, फोर टॉपिक्स. ओके, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स यानी कि जो आपकी यूनिट नंबर 6 रहेगी उसमें आपके ये फोर टॉपिक रहेंगे. ठीक है, देन आपका 7 यूनिट में देखते हैं. 7 यूनिट का में है आपका ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, यूनिट नंबर 7. दिस इज योर यूनिट नंबर 7. इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, सेकेंड टॉपिक आपका रहेगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ. ओके, इस टाइप से आपके दो टॉपिक इसमें कवर होंगे. देन आपका 8th यूनिट रहेगा एटम्स एंड न्यूक्लियाई, यूनिट नंबर 8. ओके, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, जिसमें आपका फर्स्ट रहेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, सेकंड रहेगा आपका रेडियो एक्टिविटी, और थर्ड में इधर आपका एक बार लिख देती हूँ, थर्ड टॉपिक जो रहेगा आपका न्यूक्लियर रिएक्शन. ओके, दिस इज योर थर्ड टॉपिक. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. अब आपकी 9th यूनिट, 9th एंड लास्ट यूनिट. ठीक है, यूनिट नंबर 9. ओके, इसमें आपका जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट का नाम क्या रहेगा, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. आपकी जो यूनिट है यूनिट नंबर 9, उसका नाम है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा एनर्जी बैंड्स, सेकंड आपका रहेगा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस. दीज आर योर टॉपिक्स इन फिजिक्स सिलेबस फॉर नीट एग्जाम 11th क्लास और 12th क्लास के लिए. आई होप कि आपको पसंद आया होगा. दिस कॉम्प्रिहेंसिव ब्रेकडाउन शुड गिव यू अ क्लियर आइडिया ऑफ द टॉपिक्स कवर्ड अंडर नीट फिजिक्स सिलेबस. दिस इज अंडर द नीट फिजिक्स सिलेबस. ओके, आई होप कि ये आपको बेनिफिशियल रहे आपके एग्ज़ाम के लिए. ठीक है, इनको कवर करने के लिए आप बुक्स भी ले सकते हैं, किसी कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं. बस आपको टॉपिक्स के नाम पता होने चाहिए, एंड आपको एग्ज़ाम्स के मतलब टॉपिक के नाम और यूनिट के नाम पता होने चाहिए बेसिकली. सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम. थैंक यू.